नमस्कार, यह है साथ की कड़क खबरें। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रेनू यादव। शुरुआत करेंगे मोहन कैबिनेट की। आज बड़ी बैठक होने वाली है, दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। हो सकता है कई बड़े फैसलों पर निर्णय लिया जाए और कई योजनाओं पर आज मुहर लग सकती है। दरअसल उज्जैन में भी कई स्थानीय कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री को शामिल होना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। आज मोहन कैबिनेट की होने वाली बैठक में क्या विषय रह सकते हैं, इस पर रहेगी लगातार हमारी नजर। दोपहर 3 बजे कैबिनेट की यह बैठक होनी है। दरअसल कई महत्वपूर्ण फैसलों योजनाओं पर आज मुहर लग सकती है। उज्जैन में भी स्थानीय कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को शामिल होना है। तो लगातार उज्जैन के दौरे पर और उज्जैन में भी कुछ महत्वपूर्ण बैठकें लेंगे सीएम। और उसके बाद आज भोपाल में कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और उस दौरान कई अहम फैसले, कई योजनाओं पर लग सकती है मुहर। उज्जैन में भी स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कई सारे प्रस्ताव, जैसा कि आपने सुना है, पिछले कुछ दिनों में रक्षाबंधन उत्सव पर सीएम लगातार घोषणाएं करते आ रहे थे और जल्द ही इन्हें एक मूर्त रूप देने की बात भी उन्होंने कही थी। तो हो सकता है कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में उन तमाम घोषणाओं के लिए प्रस्ताव पटल पर रखे जाएं और उन प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने के भी पूरे आसार नजर आएंगे। और आज कई योजनाओं को लेकर मुहर लग सकती है, यानी कि आज विकास के एक बयार फिर से मध्य प्रदेश में सुनाई देगी और कई अहम फैसले मोहन कैबिनेट में लिए जाएंगे। दोपहर 3 बजे ये बैठक रखी गई है। प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर कैबिनेट आज कुछ निर्णय लेने वाली है और कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी निर्णय किया जाएगा। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बड़ी बैठक जिसमें सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा किए जाने की जानकारी मिल रही है। बैठक में सदस्यता के लक्ष्य तय किए जाएंगे। 300 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल होंगे। प्रभारी नितिन नवीन समेत संगठन के बड़े पदाधिकारी भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बड़ी बैठक, सदस्यता अभियान को लेकर ये बैठक बुलाई गई है और बैठक में सदस्यता के लक्ष्य तय किए जाने हैं। 300 से ज्यादा पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रभारी नितिन नवीन समेत संगठन के बड़े नेता इस बैठक में नजर आएंगे। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इंदौर से रक्षाबंधन मनाने ग्वालियर आ रही जूनियर महिला डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है। दरअसल एक निजी यात्री बस में इंदौर से निकलते ही सीट को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद के बाद महिला डॉक्टर के साथ मारपीट की गई। और महिला डॉक्टर दीप्ति जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की उपाध्यक्ष भी हैं और महिला ने खुद को मुरैना के एक मंत्री की भतीजी बताते हुए दीप्ति से मारपीट की। हंगामा बढ़ा तो महिला ने परिजनों को इसकी जानकारी दी और इसके बाद कार से आए एक शख्स ने गुना ब्यावरा के बीच हाईवे पर बस रुकवाकर महिला को उतारा, कार में बैठा कर ले गया। महिला को लेने आए शख्स ने खुद को उसका पति बताया और वो भी डॉक्टर दीप्ति को धमका रहा था। ये आज इन्होंने नाम बताइए सर, मानवेंद्र सिंह, आपको पता है आपके साथ ये अज्ञात लोगों ने मुझे मारा है और अब ये थार लेके जा रहे हैं। ये गाड़ी से ये मैडम ने मारा है अभी हम और बिलासपुर से